नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सरकार ने बताया पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीने यानी कि जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर रहा है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया कि सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 31,01,604 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा झामुमो, जुलाई से हेमंत सोरेन राज्यभर का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। ऐसे में झामुमो भी पीछे नहीं है। सांगठनिक स्तर पर इसकी तैयारी जो है जनवरी से ही चल रही थी, जुलाई माह से यह जोर पकड़ेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जुलाई माह से राज्यभर में दौरा करेंगे। पार्टी उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कार्यक्रम यात्रा के रूप में होगा या सभा के रूप में अभी तय नहीं है, लेकिन सभी 14 लोकसभा सीटों में श्री सोरेन स्वयं जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनका उत्साह भी बढ़ाएंगे। जिलों को तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है। पार्टी मानती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद पांडे कहते हैं कि झामुमो चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आज चुनाव हो जाए तो आज भी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। श्याम हेमंत ने आपराधिक मामलों की सजा दर कम होने पर जताई चिंता, अवैध खनन रोकने समेत दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा की दर कम होने पर इसे चिंताजनक बताया है। उन्होंने अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया ताकि सजा की दर बढ़ सके। श्री सोरेन ने कहा कि धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर जैसे जिलों में जहाँ सजा की दर काफी कम है, वहाँ के लिए पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएं। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। उन्होंने हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं बेहतर पुलिसिंग, उग्रवाद पर अंकुश लगाने की बात भी कही। सीएम ने राज्य में दर्ज विभिन्न कांडों की संख्या, लंबित कांडों और वारंट, उसके अनुसंधान एवं सुपरविजन से जुड़ी जानकारी पुलिस पदाधिकारियों से ली। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने रोकी सहायता राशि, वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा है पत्र। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है। वित्त वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के दौरान 3,367 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से राज्य सरकार को मिलना है। राज्य के शहरी निकायों को अब तक इसमें से लगभग 50% राशि दी गई है। करीब 1600 करोड़ रुपए पर राज्य सरकार का दावा शेष है, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक अब केंद्र सरकार अनुदान की राशि आवंटित नहीं करेगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को इससे संबंधित पत्र भी लिखा है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाने वाले अनुदान की गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केवल उन नगर निकायों को ही अनुदान दिया जाएगा जहां चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि काम कर रहे हों। कुष्ठ रोगी खोज अभियान शुरू, 28 जून तक चलेगा अभियान। संदिग्ध मरीजों को खोजने के लिए खोजी दल रवाना। देवघर में 2 सप्ताह तक चलने वाले कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2023 की शुरुआत गुरुवार से की गई। इसे लेकर सिविल सर्जन कार्यालय परिषद से सीएस डॉक्टर युगल किशोर चौधरी और एसीएमओ डॉक्टर सीके साय ने जागरूकता रथ और शहरी क्षेत्र के खोजी दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख और राज्य कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के आदेशानुसार डीसी मंजुनाथ भजंत्री की देखरेख में शुरू किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि यह अभियान 15 जून से 28 जून तक चलेगा। अभियान की सफलता के लिए जिले में 1780 खोजी दलों का गठन किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्रों के सभी 2662 घरों में जाकर कुष्ठ रोग के संदिग्ध रोगियों को चिन्हित करेंगे। इसके साथ ही इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच के लिए भेजेंगे, जहाँ चिकित्सकों द्वारा जाँच की जाएगी। यदि रोग की पुष्टि होती है तो उसका समुचित इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग लाइलाज बीमारी नहीं है, समय पर पहचान होने और इलाज होने से 100% ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए।
झारखंड के लोगों को कब मिलेगी गर्मी से राहत, आइए जान लेते हैं। झारखंड वासियों को बारिश के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून फिलहाल बिहार के पूर्वी हिस्से यानी कि अररिया, पूर्णिया तथा बंगाल के पूर्वी हिस्से सिलीगुड़ी के आसपास रुका हुआ है। आप सबको बता दूं कि इसके 18 या 19 जून से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के लोगों को फिलहाल 2 से 3 दिन तक गर्मी झेलनी पड़ेगी। आप सबको बता दूं कि रांची में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आप सबको बता दूं कि इस समय रांची का अधिकतम तापमान सामान्यतः करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहता था। इधर डॉक्टर आनंद का कहना है कि आज और कल यानी कि 16 और 17 जून को लू की स्थिति बनी रहेगी, लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। गुरुवार को गोड्डा का अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर में हल्की बारिश भी हुई, जबकि लोहरदगा में लगभग 14 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं कल यानी कि 17 जून को कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। दम तोड़ रही है झारखंड में निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना, 4 साल से फाइल में अटकी। झारखंड में साइकिल वितरण की योजना डीबीटी से टेंडर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही है। राज्य के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को कल्याण विभाग की ओर से निशुल्क साइकिल दी जाती है। हालांकि सुदूर ग्रामीण इलाकों और कस्बों के गरीब बच्चों को इस योजना का लाभ पिछले 4 साल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि टेंडर के खेल में यह योजना 4 साल से फाइलों में अटकी हुई है। झारखंड राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट एमकेएम स्टेडियम में 17 जून से राज्यभर के 291 रेफरी होंगे शामिल। बोकारो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट का आयोजन मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 17 और 18 जून को किया जाएगा। इस राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट में विभिन्न जिलों के कुल 291 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। यह जानकारी बोकारो जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव महेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि इस फिटनेस टेस्ट में 17 जून को राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 137 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। इस फिटनेस टेस्ट का संचालन झारखंड राज्य रेफरी बोर्ड के चेयरमैन सुरेंद्र बहादुर सिंह और रेफरी हेड नवीन सुंडी करेंगे, जिसमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और जामताड़ा जिले के फुटबॉल रेफरी हिस्सा लेंगे। इन सभी फुटबॉल रेफरी को आज यानी कि 16 जून को ट्रेनिज हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 18 जून को कुल 154 फुटबॉल रेफरी फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लेंगे, जिसमें राज्य के जमशेदपुर, घाटशिला, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा और मेजबान बोकारो जिले के फुटबॉल रेफरी इस फिटनेस टेस्ट में शामिल होंगे। सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि 18 जून को फिटनेस टेस्ट देने वाले फुटबॉलर रेफरी को 17 जून को शाम में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि फिटनेस टेस्ट में रेफरी को आधार कार्ड समेत मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह फिटनेस टेस्ट सुबह में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में संचालित किया जाएगा। यह फिटनेस टेस्ट में पास होने वाले सभी रेफरी की लिखित परीक्षा उसी दिन बोकारो पब्लिक स्कूल में ली जाएगी। झारखंड में विकास के नाम पर हेमंत सरकार ही वसूल रही है लेवी, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बोला हमला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का शासनकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जनता को 22 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अभी की सरकार में एक रात में 15 बार बिजली कटती है। इसका मतलब यह है कि किसानों तक बिजली नहीं पहुँच रही है। इस वजह से किसानों के समक्ष खेती की समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त बातें उन्होंने भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत बागोदर स्टेडियम में आयोजित कोडरमा लोकसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड वन संपदा और खनिज से परिपूर्ण है, इसके बावजूद यहां गरीबी है। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार इनके उत्थान को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड में विकास कार्य के नाम पर सरकार ही लेवी वसूल रही है। सरकार ने बताया पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीने यानी कि जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर रहा है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया कि सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 31,01,604 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत है। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। गिरिडीह में एक नाबालिग की बची जिंदगी, अधैर के साथ होनी थी शादी, दुल्हा समेत 6 लोग गिरफ्तार।
गिरिडीह में गरीब परिवार के बच्चों को दूसरे राज्य के अधेड़ उम्र के साथ फर्जी विवाह कर बेचने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना इलाके के उसरी फॉल के समीप एक मंदिर के समीप छापेमारी कर की है। पुलिस ने इस मामले में गिरिडीह के एक दलाल समेत राजस्थान के 5 लोगों के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 60,000 रुपए नगद, शादी के सामान, मिठाई के अलावा 6 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी को गिरफ्तार कर थाना लाकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।